हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। हमारा जो साइट है www.cfairsivexam.in और यूट्यूब चैनल में जो मेरा नया कुछ सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब करके रखिए, जो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखेगा तो आपको जब भी मैं वीडियो डालेगा तभी आपको झट से मिल जाएगा। जो आईवी एग्ज़ाम में इनलैंड वेसल का जितना ड्राइवर है, सेकंड क्लास ड्राइवर, फर्स्ट क्लास ड्राइवर और इंजीनियर जो इनलैंड वेसल में काम करता है, या तो मर्चेंट शिपिंग वेसल में काम करता है, या तो सी गोइंग वेसल में काम करता है, या फॉरेन गोइंग वेसल में, कोस्टल वेसल में काम करता है, उनका लिए मेरा ये वीडियो है। वो एग्जाम में जाना मांगता जो ऑयलर है, ऑयलर सेकंड क्लास को जाएगा, फर्स्ट सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास को जाएगा और फर्स्ट क्लास इंजीनियर का एग्जाम को जाएगा, उनका लिए मेरा ये वीडियो है जो उनको गाइड करने का लिए। और मैं इसलिए गाइड करता हूँ कि हम लोग का टाइम में बहुत तकलीफ करना पड़ा क्वेश्चन विश्चन निकालने के लिए। तो ये जो एग्जाम का जो डर है ये आप लोग से निकालना है। मेरा जो 35 ईयर तक जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग से शेयर करता है। मैं मुंबई पोर्ट का रिटायर इंजीनियर है, तो मैं इसलिए आप लोग को शेयर करता है ताकि आप लोग का अंदर से जो एग्ज़ाम का जो डर, जिसको फोबिया बोलते हैं, एग्ज़ाम फोबिया, तो एग्ज़ाम का जो डर है वो निकल जाए, इसके लिए मैं ये आप लोग से शेयर करता हूँ। क्योंकि काल अगर मेरा भी कुछ हो गया तो हमारा साथ में हमारा जो नॉलेज है वो निकल जाएगा। तो ये नॉलेज आप लोग को साथ शेयर करके रखेगा, ये नॉलेज अगर आप लोग को साथ शेयर करके रखेगा तो कम से कम आप लोग का अंदर रह जाएगा। तो अभी अभी मुंबई का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हो गया है। एग्ज़ाम में रिटर्न में जो पास किया है मेरा दोस्त, मेरा साथी, उनका लिए अभी ओवरऑल एग्ज़ाम बाकी है। तो ये ओरल एग्ज़ाम जो है, ओरल एग्ज़ाम देने का जो उसको तरीका, उसको कैसा क्या, उसको गाइडलाइन जो है वो मैं बताता हूँ। अभी एक वीडियो तो मैं पहले दे चुका हूँ, अब ये सेकंड वीडियो है, ये मैं दे रहा हूँ क्योंकि जो पहले वीडियो मैं दे चुका हूँ उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, और ये अभी सेकेंड वीडियो आपको दे रहा है जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रहा है। क्योंकि अभी 19 तारीख से स्टार्ट हो जाता है ओरल का एग्ज़ाम, तो किसी को 22 तारीख, किसी को 23 तारीख ऐसा है। तो आप लोग एक भी हमारा जो साथी है वो फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा ये वीडियो है, मैं दे रहा हूँ आप लोग को सजेशन जो है, इम्पोर्टेंट सजेशन मैं दे रहा हूँ। एग्जाम में जब जाने का सर्वेयर के पास एकदम नम्रता प्रमाण जाइए, कुछ भी मन में मत रखिए, क्योंकि आप पास होने के लिए एग्जाम में जा रहा है। जैसे ही आपको पूछेगा कि आप इंग्लैंड वेसल का कौन सा सेक्शन में है, कौन सा सेक्शन के लिए है, फर्स्ट क्लास ड्राइवर, आप झट से ऐसा बोलना मांगता, सेक्शन 25B, एक फर्स्ट क्लास ड्राइवर ISB एक्ट 1 of 1917 का सेक्शन 25, 26B, 25 में आता है इंजीनियर, 27 में आता है सेकंड क्लास ड्राइवर, तो सेक्शन 26 में आता है फर्स्ट क्लास ड्राइवर, जिनका सर्टिफिकेट मिलने के बाद जिनका कैपेसिटी है 565, लेस देन 565 BHP, जो 565 BHP अप टू जो जहाज है उसमें आप इंचार्ज में काम करोगे, उसमें आप डायरेक्ट इंचार्ज में काम करोगे, सेक्शन 26 का बी में जितना जहाज आई भी वैसे जितना बड़ा है, लेकिन 565 BHP का नीचे होगा तो उसमें आप इंचार्ज में काम करोगे। आपका साथ में एक सेकंड क्लास मास्टर रहेगा और एक फर्स्ट क्लास ड्राइवर आप रहेगा, आपका हाथ का नीचे बाकी ऑयलर व्हीलर जो कुछ एज पर क्रू मैनेजमेंट में रहेगा। तो ये एग्जाम का
आपको जाना है और पास निकालने का है, और जाने के बाद आपको मन में इतना सा भी डर नहीं होना चाहिए। बराबर, आप पास हो जाएंगे ये तो मुझे 100% गारंटी है। लेकिन पास होने का, जाने का लिए एग्जाम कक्षा में जाने के लिए आपका मन में ऐसा कुछ दुविधा नहीं होना चाहिए। ये मेरा जो क्वेश्चन है, क्लास बहुत होता है मुंबई में, बहुत बड़े बड़े क्लास चलता है, 18,000, 20,000, 35,000 लेता है। लेकिन मेरा जो फ्री क्लास आप लोग को लिए दे रहा है, इसका आप फायदा उठाइए। सिर्फ एग्जाम नहीं है, आज एग्जाम है ना, कल आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा और वो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन काम पे आएगा। तो करना क्या है आपको, आप मामूली हमको कुछ पैसा देने का ज़रूरत नहीं। सोचता है कि आप हम क्यों फ्री भाई आप लोग को देता है, हमको कुछ देने का ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इतना ही कीजिए, पास होने जाने के बाद आपके हाथ में जब टिकट मिल जाएगा, तभी हमारा जो, हम रिटायरमेंट आदमी, हमारा जो नेट चार्जेस है, नेटवर्क का जो, ये यूट्यूब चालू रखने के लिए जो चार्जेस है वो दे देना व्हाट्सएप में, मुझे व्हाट्सएप में बता देना, फिर बाद में आगे का प्रोसीजर हो जाएगा। तो बताना कम से कम, अगर आपको देने का पैसा देने का भी कुछ देने का भी आपको ताकत नहीं है, तो कम से कम बताओ हमको अच्छा लगे ताकि। बराबर, कोई कोई तो हमारा इंजीनियर भी, ऐसा भी इंजीनियर लोग है जो पास हुआ है, कुछ बताता भी नहीं, अब तक नहीं बताया पास हुआ, लेकिन मैंने, मुझे मालूम पड़ा क्योंकि लिस्ट मेरा पास है, मालूम पड़ा, लेकिन बताता नहीं है। छोड़ो, क्योंकि जब बटाटा खरीद करने को जाते हैं उसके अंदर सब बटाटा अच्छा नहीं रहता है, एक आध उसके अंदर में कीड़ा वगैरह रहता ही है, तो वो देख के आपको लेना है। तो आज मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास का जो दिया था क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन है, उसको बाद से ही मैं दे रहा हूँ, क्या क्या पूछ सकता है। लास्ट टाइम में बताया था बटरफ्लाई वाल्व कहाँ फिट होता है, ये बताया था। तो उसको बाद है हवा से, अब जो काम लेता है, हवा से जो काम लेता है, आप जो कौन सा काम आपको इम्पोर्टेंट लगता है, वो हवा के बगैर नहीं होने वाला है, ये कौन सा काम है। बराबर, नहीं, हवा के बगैर नहीं चलने वाला, ये कौन सा काम था। दूसरा, कंप्रेसर का जो रिलीफ वाल्व है, वो रिलीफ वाल्व कहाँ रहता है। कंप्रेसर में कंप्रेशन होता ही है, आपको मालूम है, आप फर्स्ट क्लास ड्राइवर देने को आया, तो कंप्रेसर में कंप्रेशन तो होता ही है। अगर उसी कंप्रेसर में मैं इंजेक्टर फिट कर दिया, तो वो इंजन के जैसा चलते रहेगा या नहीं, समझा क्या वाला, चलते रहेगा या नहीं, एक बात में आंसर करने का। कंप्रेसर कैसे काम करता है, हो सके तो ये क्वेश्चन आपका अगर रिटिन में आया तो वो फिर ओरल में नहीं आएगा। आपको रिटिन में जो जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन छोड़ के करने का, अगर ये क्वेश्चन रिटिन में आया था तो ये क्वेश्चन नहीं करने का, तैयार नहीं करने का। बराबर, यार रिसीवर किसको बोलते हैं, एआर रिसीवर किसको बोलते हैं, एआर रिसीवर का जो प्लेट है वो मेटल कौन सा है। अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग को समझने को नहीं आएगा तो मेरा पीछे जो जितना वीडियो है वो वीडियो चेक करते रहे, कौन सा भी मेटल चेक करते रहे, जो मेटल जहाँ पे है वहाँ पे सब दिया हुआ है। आप एकदम जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपको बिल्कुल नहीं आता है, हमको
आपको ये YouTube ढूंढ के भी आपको नहीं मिलता है, मेरा जो ये ढूंढ के नहीं मिलता है चैनल ढूंढ के, तो आप क्या करने का व्हाट्सएप में मुझे दे देना, मेरा नंबर आप लोग को तो मालूम है 9819631432, तो व्हाट्सएप में दे देना, मैं ही आंसर कर दूँगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पहले व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको मैं सेव करके रखा है। अगर कोई जुड़ा हुआ नहीं है तो आपका नाम पूरा और कहाँ से और कौन सा क्लास का एग्ज़ाम का दिया है आप वो लिख देना, पूरा नाम आपका। एयर स्टार्टर नाम सुना, क्या काम करता है एयर स्टार्टर, कहाँ फिट रहता है? एयर स्टार्टिंग वाल्व, एयर स्टार्टिंग वाल्व क्या है, कहाँ फिट रहता है? फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का क्वेश्चन है, ध्यान से आप सुनिए क्वेश्चन फिर आंसर कीजिए। जब भी सर्वेयर क्वेश्चन करेगा पहले ध्यान से सुनिए। सक्शन, डिलीवरी और रिलीफ वाल्व ये कैसे काम करता है? कंप्रेशन, कंप्रेसर से जब रिलीफ होता है वो कब रिलीफ होता है? कंप्रेसर से रिलीफ वाल्व से रिलीफ होता है जब वो कब? कंप्रेसर कभी कभी बंद हो जाता है कटआउट से, वो कैसा? और कंप्रेसर चलता है किसके जरिए से, छोटा इंजन से या मोटर से या कैसा, किसके जरिए से कंप्रेसर चलता है और वो बंद हो जाता है कैसा, कैसे बंद पड़ता है? जहाज में एक पंप का अब नाम बताओ, जहाज में एक पंप का अब नाम बताओ। वो डबल एक्टिंग है, वो जब जाते ही पानी फेंकेगा और आते ही पानी फेंकेगा। डबल एक्टिंग पंप है वो कौन सा है? रोटरी पंप किसको बोलते हैं? ज्यादा से ज्यादा कहाँ फिट होता है? विद डिस्प्लेसमेंट और नॉन डिस्प्लेसमेंट जो पंप है, एक डिस्प्लेसमेंट पंप का नाम बताओ और एक नॉन डिस्प्लेसमेंट पंप का नाम बताओ। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक एक पंप का नाम बताओ। सेमी रोटरी नाम सुना, सेमी रोटरी क्या है? सेमी रोटरी, सेमी रोटरी क्या है? बिल्जिस पाम, जीएस पाम, दोनों में फर्क क्या है? और ये कहाँ फिट रहता है? और बिल्जेस पंप और जीएस पंप कैसा चालू बंद होता है? बिल्जेस पंप जीएस पंप कैसे चालू बंद होता है? बिल्जेस आपको बहुत हो गया, आपका जहाज रनिंग है,
आप एक जगह से दूसरा जगह जाता है, रनिंग है, बिजनेस बहुत हो गया, अभी बिजनेस छोड़ना है, बिजनेस तो कहाँ छोड़ेगा, बिजनेस कहाँ छोड़ेगा, बिलजेस सी में, ओपन सी में कहाँ खाली करेगा, वाल्व और कॉक, वाल्व और कॉक ये दोनों में फर्क क्या है, वाल्व और कॉक दोनों में फर्क क्या है, भाल कितना टाइप का आता है, भाल कितना प्रकार और टाइप, भाल कितना प्रकार का आता है, वाटर जो पंप है, वाटर पंप उसको प्रेशर कितना है, कौन सा वाल्व ज़्यादा यूज होता है, कौन सा वाल्व ज़्यादा यूज होता है, आपका जो तेल लीकेज होता है, कुछ झूठ पड़ा रहता है इंजन रूम में और तेल लीकेज होता है इंजेक्टर का बाजू से, तो आप उधर आग लग जाएगा, आग नहीं लगने के लिए आप क्या करता है, आग नहीं लगने के लिए आप क्या करता है, लूब ऑयल इंजन में देने का क्या जरूरत है और ग्रीस बियरिंग में देने का क्या जरूरत है, लूब ऑयल इंजन में देने का क्या जरूरत है, ग्रीस बियरिंग में देने का क्या जरूरत है, कहाँ ग्रीस देता है और लूब ऑयल कहाँ से डालता है, कितना डालता है तुम्हारा इंजन में, लूब ऑयल कूलिंग कितना प्रकार का होता है, लूब ऑयल का जो कूलिंग होता है वो कूलिंग कितना प्रकार का होता है, वो जो प्रकार का होता है जितना प्रकार का है उसमें तुम्हारे इंजन के लिए कौन सा प्रकार में कूलिंग होता है, अभी आपका मन में लगा ऑयल चेंज करने के लिए, जो ऑयल चेंज करना पड़ेगा, क्यों ऑयल चेंज करना पड़ेगा, कब चेंज करता है, कब ऑयल चेंज करता है और क्यों करता है, ऑयल चेंज करते टाइम आप फिल्टर बदली करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि धो के भी फिल्टर चला सकता, फिल्टर धोया और बोला चलो वही फिल्टर लगा दो, लगा सकते हैं, आपके इंजन के लिए कितना ऑयल लगता है, ऑयल कैन व ग्रीस गन ये दोनों में फर्क क्या है, ऑयल कैन वो ग्रीस गन ये दोनों में फर्क क्या है, एक केजी ऑयल बोला था 1 लीटर, 1 केजी ऑयल और 1 केजी ग्रीस
ये दोनों में कौन सा वजन ज़्यादा है, 1 kg ऑयल 1 kg ग्रीस, दोनों में कौन सा वजन ज़्यादा है? तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करता हूँ, इतना ही आज तक है, तो आप लोगों को जो मैं बताता है उतना ही करने का। अगर आपका क्वेश्चन मालूम नहीं जो क्वेश्चन किया, आप सीधा सीधा साहब को बोल देने का कि सर ये क्वेश्चन हमको परफेक्टली नहीं आपको समझा सकेगा, हमको आता नहीं बोलने का नहीं, कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आपको बराबर मैं नहीं समझा सकेगा, तो काइंडली मेरे को दूसरा एक क्वेश्चन बताइएगा। तो सर्वर मान लेता है, क्योंकि सर्वर भी अपना जैसे इंसान है, आपको आता नहीं और सीधा आप डायरेक्ट सर्वर को बोला ये मेरे को नहीं आता है, अच्छा नहीं है, बोलने का एक तरीका थोड़ा सा घुमा देने का, जो सभी क्वेश्चन आपको समझा नहीं सकेगा। तो आज इतना तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताते रहना, मैं 19 तारीख का पहले मैं वीडियो डालते रहूँगा, आप लोग उतना तक करेगा तो बहुत है, पास करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू।